हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ एंड अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू वीडियो। जो हमारी सीरीज चल रही है ब्लैक बुक की, उसमें ये अगला पार्ट है इसका, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट कवर करेंगे। इससे पहले बता दूँ कि इससे पहले का जो सेक्शन है, जैसे कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री, मैंने ऑलरेडी कवर करा रखा है। पार्ट वाइज है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए प्लेलिस्ट पेज पे जाइए और ब्लैक बुक की जो ये सीरीज चल रही है इसको कंप्लीट देखिए। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, स्टार्टिंग से आपको मिलेगा ये कंप्लीट इंडियन पॉलिटी का, ये पूरा कंप्लीट वीडियो है, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके का कॉन्टेंट आगे भी मिलता रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियोज़ का आपको मिलता रहे। पहला इसमें क्वेश्चन है, पहले तो ये जानिए कि पॉलिटी में हम इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे। सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके देखेंगे। पहला इसमें है, इन विच एक्ट द टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वॉज डन। टेरिटोरियल डिवीजन से क्या समझते हैं, पहले क्या था कि एक ही जो सरकार बनती थी एक ही तरीके से शासन करती थी। टेरिटोरियल डिवीजन जो है इंडिया का नहीं था, गवर्नेंस भी टेरिटोरियल डिवीजन में नहीं होता था, लेकिन ये पहली बार हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा, जहाँ पे टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ गवर्नेंस हमने इंडिया में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स दैट इज कॉम्यूनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। तो देखिए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म आपने सुना होगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मिंटो को जो है ना फादर ऑफ कॉम्यूनलिज्म माना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था और इसी सुधार को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी जानते हैं। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था और ये काफ़ी मतलब एक फूट डालो और राज करो वाली नीति के तहत ये सब किया गया था। अगला सवाल है डायार्की। डायार्की जो है एक सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट है। डायार्की क्या है, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट है, मतलब कि स्टेट में अलग तरीके से गवर्नेंस होगा और सेंटर पे अलग तरीके से गवर्नेंस होगा, या फिर कह सकते हैं कि प्रोविंसेस में डायार्की सिस्टम जो है वाज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डैश फॉर द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो प्रोविंसेस थे उस समय के 1919 के आसपास में जो प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया में, उनमें क्या था, डायार्की सिस्टम लाया गया था, जहाँ पर कुछ पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था और मैक्सिमम पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करके बैठी हुई थी, जिसे हम डायार्की कहते हैं। ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा लाया गया था, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में ब्रिटिश इंडिया में। अगला सवाल है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इनवाइसेज ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। इट फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एज हाउ मेनी ईयर्स। तो ये फिक्स किया था 5 साल के लिए। पहली बार जो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर 1919 वाले एक्ट में लाया गया था। ये पूछता भी है, कई बार सवाल आता है कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर लाया गया था। तो ये लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, और ये जो है इसके तहत काउंसिल ऑफ स्टेट का जो टेन्योर था ये 5 साल रखा गया था। विच एक्ट बाई विच एक्ट द सिस्टम ऑफ डायार्की वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। देखिए, यहाँ पे सेंटर की बात हो रही है, प्रोविंस की बात नहीं हो रही। प्रोविंस पूछे तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लगाना है, बट अगर आपसे पूछ ले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या कहाँ पर डायार्की आया था, तो ये सेंटर में आया था, प्रोविंसेस में आया था 1919 वाले में, सेंटर में आया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाले में। अगला सवाल है, इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो देखिए, प्रोविंसेस में डायार्की लाया गया था कब, 1919 में, तो उससे कहीं ना कहीं रेस्ट्रेन किया गया था उनके पावर को। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935 में जो प्रोविंशियल डायार्की थी उसको ख़त्म करके 1919 वाले को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया था। तो ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा।
विच एक्ट एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर होगा इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसका 50% पार्ट तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ज्यों कते उठा के रख दिया है, तो प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस तो होगा ही। वो डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज ए न्यू चार्टर ऑफ बाउंड्रीज, ये बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये कई बार रिपीटेड सवाल है, हर जगह आता है, बीपीएससी में भी मैंने एक बार देखा था इसको, बाकी कई जगह आता रहता है, एसएससी में तो आया ही है। अगला सवाल देखते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में बैठी थी और इसी के रिपोर्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था। और एक और बता दूँ, साइमन कमीशन जो है ये जब बैठा था तो इसमें जो 7 मेंबर थे, सातों के सातों इंग्लिश मेंबर थे, एक भी इंडियन या फिर कह सकते हैं कि ये ऑल वाइट मेंबर एक कमीशन था जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था भारत में। अगला सवाल है, इन विच ईयर वेयर द इलेक्शंस हेल्ड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया? तो ये हुआ था 1937 में, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें टोटल 299 मेंबर थे। ठीक है, ये फैक्ट है, आपको याद रखना है, सिंपल है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, फैक्ट है, 299। डाटा भी अच्छा है, याद हो सकता है 300 में एक कम है ना। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1946। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी और ये प्लान भी, कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो भी 1946 में ही आया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी 1946 में ही बनी थी। व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? देखिए क्वेश्चन भी आ गया, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर द फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। एक फैक्ट है, याद रखना है, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और हमने अडॉप्ट कब किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, बना के अडॉप्ट कर लिया था हमने 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है, याद रखना। हाउ मच टाइम डज इट टेक इन क्रिएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये लगा था टोटल 2 साल 11 महीना और 17 दिन, 2 साल 11 महीना 17 दिन टोटल लगा था। ठीक है, और ये बन के तैयार हो गया था, देखिए यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को। When did Indian Constituent Assembly adopt Constitution? Adopt किया था हमने 26 नवंबर 1949 को। What did the Indian Constituent Assembly adopt? The Constituent Assembly held in its final session on which day? ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को, final session था इसका, और 26 जनवरी को तो हमने इसको लागू ही कर दिया था। In India, DAS is celebrated as the Constituent Day or संविधान दिवस टू कमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जैसा कि मैंने बताया कि 26 नवंबर वो दिन था 1949 को जो हमने एडॉप्ट किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, और यही डेट जो है हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस जिसे कह सकते हैं। हाउ मेनी मेम्बर्स वेर देयर इन ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें टोटल 7 मेंबर थे, 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, और जिसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो इसके हेड थे। एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मूव्ड बाय, ये मूव किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसमें ये बोला गया था कि हम एक हमारा फंडामेंटल राइट होगा, हमारा मोडस ऑपरेंडी ये होगा, तो एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसको कहते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया था। वॉज अपॉइंटेड एज द एज असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर इन 1946 ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी एन राव। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया सवाल है, ये एक एडवाइजर थे और सच बताओ तो ये लीगल एडवाइजर थे बी एन राव। नेक्स्ट है, हु इज़ कंसिडर्ड द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो बी आर अम्बेडकर को माना जाता है क्योंकि ड्राफ्टिंग के ये मेन व्यक्तित्व थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। इन विच ईयर डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? आंसर होगा 1947। हाउ मेनी कमिटीज वेर सेटअप बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन?
तो ये टोटल 13 कमेटी बनाई गई थी, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके बाद और भी कई सारी कमेटियाँ थी, प्रोविंशियल कमेटी है ना, ऐसी कई सारी कमेटियाँ थी। हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैव, तो टोटल इसमें 15 थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब बनी थी, 1946 में बनी थी, और कैबिनेट मिशन वो प्लान था जिसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। हु रिप्लेस्ड सच्चिदानंद सिन्हा एज चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो पहले नॉन परमानेंट जो मेंबर थे वो चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन काफ़ी एज्ड थे और इनको रिप्लेस कर दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, मतलब परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946, आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो भी कब, तो ये आता है सवाल, ये दिसंबर में इनको बनाया गया था, ठीक है, दिसंबर 1946 में। नेम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद हु प्रपोज्ड द सजेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट इन 1935, तो ये एम एन रॉय, बहुत बड़े कम्युनिस्ट पार्टी के ये हेड थे, बहुत बड़े कम्युनिस्ट के प्रोपोगेटर थे, इन्होंने पहली बार प्रपोज किया था, कि सजेशन दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए और हमारा संविधान बनाया जाए। हु वॉज नॉट ए मेम्बर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश इन जुलाई 1946, आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दूर ही रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, संविधान की संरचना से, इन सब चीज़ों से ये काफ़ी दूर थे। हु वॉज नॉट ए मेम्बर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे, ठीक है, चेयरमैन थे ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये ड्राफ्टिंग कमेटी से इनका कोई भी संबंध नहीं था। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे बी आर अम्बेडकर, और इसमें टोटल 7 मेंबर्स हुआ करते थे। हु वाज द टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, इनको रिप्लेस किया था राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अब्दुल कलाम आजाद। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द डिफेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946, तो सरदार बलदेव सिंह, सरदार जी थे जिनको बलदेव सिंह जिनका नाम था, इनको पहला डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में। हु वाज मिनिस्टर ऑफ होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946, आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्टर ऑफ होम बनाया गया था इंटरिम गवर्नमेंट में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 1946 ऑफ इंडिया, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज होल्डिंग द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस, तो लियाकत अली खान, ये भी पूछा गया सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल है, लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया था इंटरिम गवर्नमेंट में। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स इन 1950, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीज्ड टू एग्जिस्ट, ट्रांसफॉर्मिंग इट सेल्फ इन टू द डैश टिल 1952, तो ये प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया अपने आप को इन्होंने, और 1952 तक ये एग्जिस्टेंस में रहे। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन इंडिया, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से हमने फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट है द कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अगेन आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन, तो देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों एक दो अलग अलग फ्रेजेज हैं जो कि आर्टिकल 14 का पार्ट बनते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने ब्रिटेन से लिया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने यूएसए से लिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन, कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटेन, आंसर होगा ब्रिटेन। विच कंट्री डज नॉट हैव डॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सच बता दूँ तो ये बहुत ही आयरोनिक है कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित नहीं है, इसलिए ये रिजिड भी नहीं है, वेयर एज यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित है और रिजिड भी है। आगे बढ़ेंगे। द आइडिया ऑफ रेसिड्यूअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा, आंसर होगा कैनेडा से हमने इसको लिया है। रेसिड्यूअल पावर जो है मतलब कि कोई चीज़ ऐसी है जो बच गई, जिसे हम अपने डिवीज़न ऑफ पावर में हमने नहीं डिवाइड किया है, लिस्ट नहीं बनाया है, जैसे नई चीज़ें कई सारी आती रहती हैं
वो अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो उसका जो पावर है वो हमारे कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, और ये सिस्टम हमने कनाडा से बोरो किया है। द फेडरल सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, अगेन आंसर इज कनाडा। कनाडा से ही हमने ये सिस्टम लिया हुआ है। पर्सन्स मे बी चेंज्ड बट रूल्स शुड नॉट चेंज इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। पर्सन्स चेंज हो सकते हैं बट रूल्स जो है चेंज नहीं होंगे, ये प्रिंसिपल हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से लिया है, और यही प्रिंसिपल है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का। विच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई साउथ अफ्रीका, आंसर होगा इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, आंसर होगा इंग्लैंड। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन, एक्चुअली इंग्लैंड में सिंगल सिटीजनशिप है, वेयर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में डबल सिटीजनशिप है, जहाँ पे स्टेट का सिटीजनशिप अलग है और सेंटर का सिटीजनशिप अलग है फेडरल का। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड, आंसर होगा इंग्लैंड। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, तो ये आइडियल हमने फ्रांस से लिया है, और फ्रांस में भी जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था उसमें ये लिबर्टी की काफ़ी चर्चा हुई थी, तो हमने ये फ्रांस से लिया। फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत बार पूछा गया सवाल है, ये आयरलैंड इसका सही आंसर है। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाई प्रेसिडेंट वॉज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, अगेन द आंसर इज आयरलैंड। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, आंसर इज अगेन आयरलैंड। आयरलैंड इज द राइट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइव ईयर प्लान, ये प्लान जो है 1917 में ही शुरू हो गया था रसिया में बोल्शेविक मूवमेंट के साथ, और पहली बार जो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रसिया में ही शुरू हुआ था, तो ये 5 साल का प्लान जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बोरो किया था रसिया से ही। विच जजमेंट स्टेटेड दैट सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म आर बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर होगा SR Bommai केस। SR Bommai जो है ये कर्नाटक के CM थे, और इनका डिस्प्यूट हो गया रिगार्डिंग जो गवर्नर ने थे वहाँ के, और उन्होंने कुछ दिक्कत हुई और सरकार गिर गई थी, तो ये केस गया था, SR Bommai केस कहते हैं, जिसमें एक इवॉल्व हुआ कि सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म जो है बेसिक फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और बेसिक फीचर जो होता है उसे आप अल्टर नहीं कर सकते, उसे अमेंड नहीं किया जा सकता। नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ द प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट वॉज बोरोड बाई इंडिया, आंसर इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है कि कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा जब हम अमेंडमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाई पॉपुलर वीटो इज फाउंड इन स्विट्जरलैंड। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। देखिए यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, वेयर एज USA में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। कई जगह सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, जैसे कि श्रीलंका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। तो ये 3 तरीके के गवर्नेंस हो सकते हैं, एक तो हो सकता है पार्लियामेंट्री फॉर्म, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, और तीसरा होता है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म। इंडिया हैज़ टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर होगा USA से हमने ये बोरो किया है जुडिशियल रिव्यू। और एक्चुअली ये जुडिशियल रिव्यू जो है ना वहीं से हुआ था। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म, वो सब USA की देन है। फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री ऑफ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर अगेन सेम USA। फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फीचर ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर होगा USA, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट हम फिर भी उसे अमेंड कर सकते हैं। द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम USA। द टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एज एम्फेसाइज बाई जॉन लॉक आर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द राइट टू प्रॉपर्टी। ये दो डेमोक्रेसी के लिबरल थ्योरी हैं, जिसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। फंडामेंटल राइट नहीं है अब, ये लीगल राइट है, बट राइट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR। USSR मतलब सोवियत संघ, फंडामेंटल ड्यूटीज सोवियत संघ। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड, आंसर इज 1920। बहुत सिंपल बट वे रिपीटेड क्वेश्चन। ऑन विच डे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैड अडॉप्टेड हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज वन ऑफ द
ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आंसर होगा 14 सितंबर 1950। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट नेशनल एंथम, आंसर होगा 24 जनवरी 1950। व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू इफेक्ट, आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है, व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर। तो पहली बार ये हमने गाया था 27 दिसंबर 1911 को कैलकाटा में। January 26 सेलेक्टेड एज द डेट फॉर इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज इंडिपेंडेंस डे इन 1930, इसीलिए हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन का भी इनॉग्रेशन डेट मानते हैं। द स्टेट ऑपरेट्स थ्रू, स्टेट मतलब यहाँ पर यूपी बिहार एमपी की बात नहीं हो रही है, स्टेट मतलब भारत की बात हो रही है। द स्टेट ऑपरेट्स थ्रू गवर्नमेंट, आंसर होगा गवर्नमेंट, बिना गवर्नमेंट के हमारा देश नहीं चल सकता है, तो स्टेट जो है ऑपरेट करता है थ्रू गवर्नमेंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ 5 मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड -%, ये होगा 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। ये एक नियम है भैया, ये एक नियम है और वो भी अमेंडमेंट के द्वारा हमने लाया था। पहले क्या था, कितना भी जो है मेंबर्स की संख्या कर लेते थे, बट इसको लिमिट कर दिया गया बाद में कि भैया जो भी आपका मेंबरशिप का नंबर है उस टोटल नंबर का 15% से ज़्यादा आपका मिनिस्टर जो है एक्सीड नहीं कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली तो कम थे लेकिन अभी टोटल पार्ट जो है 25 है। विच इज़ ए फीचर टू बोथ इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन, आंसर होगा ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है दोनों में कॉमन है, चाहे वो इंडियन फेडरेशन हो या फिर अमेरिकन फेडरेशन हो। नेक्स्ट है, व्हाट वाज एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम द 26 जनवरी 1950, आंसर होगा एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बाद में हमारी 42वें संशोधन के द्वारा हमारे प्रीएम्बल में 2 वर्ड जोड़ दिए गए, 3 वर्ड एक्चुअली, तो वो अलग बात है। हु सेड दैट डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, आंसर होगा अमेरिकन व्यक्तित्व जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज री इलेक्शन ऑफ ए पर्सन टू द प्रेसिडेंट पोस्ट, स्पेशली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई लिमिट नहीं रखा है। ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति जो है वो 10 बार भी प्रेसिडेंट रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि कोई 10 बार रह जाए। द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सरदार बलदेव सिंह। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज आल्सो नोन एज भारत। तो आर्टिकल 1 जो है उसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। द डैश प्रोसेसेस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी, द स्टेट प्रोसेसेस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी। सोवरेनिटी से क्या मतलब है कि चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, हम अपना शासन खुद करेंगे, इसमें कोई इंटरफेयर होगा तो हम उसको नहीं मानेंगे, हम सक्षम हैं, हम सोवरेन कंट्री हैं, हम अपना इंटरनल मैटर एक्सटर्नल मैटर खुद ही देखेंगे। शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट इज़ द फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ब्रिटेन, आंसर होगा ब्रिटेन। यहाँ पे शैडो कैबिनेट क्या होता है, शैडो कैबिनेट का मतलब ये है कि ऐसा कैबिनेट जो कभी भी कोई कैबिनेट गिरती है तो उसको टेक ओवर कर ले, वो शैडो कैबिनेट होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज इन इंडिया इज डिराइव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। इन इंडिया लीगल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड विद कॉन्स्टिट्यूशन। विच इज़ द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन। हु गारंटीज इक्वालिटी टू ऑल इंडियन सिटीजन्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज जो आर्टिकल 14 है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ही तो पार्ट है। डैश इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, आंसर होगा डेमोक्रेसी। होता क्या है डेमोक्रेसी में, क्या होता है कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, जनता इनडायरेक्टली रूल कर रही होती है, तो जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें क्वालिटी देखा जाएगा। लेकिन अगर एरिस्टोक्रेसी है जहाँ पे तानाशाह बैठा है, उसके डिसीजन क्वालिटी वाले नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसमें थॉट प्रोसेस नहीं होगा, वो कभी सनक गया तो कभी कुछ डिसीजन ले लेगा। इंडिया इज़ ए डैश, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनहेंसेज द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, आंसर होगा डेमोक्रेटिक।
विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट आंसर होगा डेमोक्रेसी इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विथ दोज इलेक्टेड बाई पीपुल आंसर होगा डेमोक्रेटिक इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू आंसर होगा डेमोक्रेटिक जिसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऐसा नहीं हो सकता कि मैं छोटा हूँ तो मेरे वोट की वैल्यू कम होगी मतलब मैं 18 साल का ही हूँ तो मेरे वोट की वैल्यू कम होगी कोई 60 साल का है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी मैं गरीब हूँ तो मेरी वोट की वैल्यू कम होगी क्या बिल्कुल नहीं कोई अमीर है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है वोट की वैल्यू सेम ही होगी इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल आंसर होगा डेमोक्रेटिक डिवीजन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी आर टू इंडिपेंडेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलिए आगे बढ़ेंगे फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड आंसर होगा डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ कंट्री जैसे इंडिया में फेडरलिज्म ही है मान के चलो तो ठीक है हालांकि लिखते हैं हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट है बट फेडरलिज्म है हमारी कंट्री में तो हमारी कंट्री में क्या है सेंट्रल लेवल पे एक सरकार बैठी है और स्टेट लेवल पे भी सरकारें बैठी हुई हैं तो हमारा गवर्नेंस कैसे चलता है डिवीजन है पावर का डिवीजन है लिस्ट बना रखा है हमने सेंट्रल लिस्ट है एक यूनियन लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब्ड इंडियन सेकुलरिज्म एज सर्वधर्म संभव आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर डैश द पीपल रूलर्स आर इलेक्टेड बाई द पीपल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही देख लो हम क्या करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं गवर्नमेंट सरकार हम चुनते हैं रूलर्स को चुनते हैं हम लोग तो जनता ही है पीपल ही है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल डैश इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री आंसर होगा फेडरलिज्म पीपल एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू हैव इक्वल वेट इन द इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव इंडिया इज़ ए रिपब्लिक बिकॉज हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट इनहेरिटेड हमारी कंट्री रिपब्लिक है जबकि जो ब्रिटेन है वो मोनार्की है वहाँ पर क्योंकि हेड जो है वो इलेक्टेड नहीं है वो इनहेरिटेड है विच टाइप ऑफ फेडरलिज्म इज सीन इन इंडिया आंसर है होल्डिंग टूगेदर फेडरलिज्म वॉट आर यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहला है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर मतलब कि सेंट्रल को ज़्यादा पावर तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट एंड सेंटर सिंगल सिटीजनशिप ये भी यूनिटरी फीचर है और इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी यूनिटरी सिस्टम वॉट कम्स अंडर द एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर होगा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है उसको उसके ऊपर किसी को नहीं लाया जा सकता फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारा बेसिक फीचर है ऐसा नहीं किया जा सकता कि हम इसे अमेंड करके फ्री और फेयर इलेक्शन को हटा ही दें ऐसा नहीं हो सकता ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जुडिशियल रिव्यू आगे बढ़ेंगे डैश इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड आंसर होगा इंडिया लार्जेस्ट पूछे तो इंडिया ओल्डेस्ट पूछे तो USA विच इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफ द लैंड आंसर होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म स्टेट आंसर होगा मिसी वेली जो होगा फर्स्ट बंदा था जिन्होंने यूज किया था टर्म स्टेट को कॉन्सेंट ऑफ द पीपल मीन्स कॉन्सेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल देखिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई भी कॉन्सेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जहाँ पे कॉन्सेंट ऑफ द पीपल की बात कर रहे हैं तो हो सकता है 100 लोग हो तो वहाँ पे 90 लोग कह रहे हैं कि हाँ भैया ये सही है और 10 लोग कह रहे हैं कि ये गलत है तो कॉन्सेंट क्या माना जाएगा ये कॉन्सेंट ऑफ द पीपल 90% का ही माना जाएगा मेजोरिटी ऑफ पीपल कह रही है कि सही है तो सही है 10 को छोड़ देंगे हम लोग विच आर्टिस्ट डेकोरेटेड द हैंड रिटन कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर होगा नंदलाल बोस द इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव द टू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आर पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल टेक पार्ट डायरेक्टली इन द पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द कंट्री तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पे संभव हो सकती है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है मान लो किसी कंट्री का पॉपुलेशन ही 1 लाख है 10 लाख मान लो ठीक है इतना ही है
तो भैया वहाँ पे तो वोटिंग से भी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी से भी चलाया जा सकता है, जनता खुद ही डिसीजन ले लेगी, है ना, प्लेबिसाइड कर सकती है, वोटिंग कर सकती है किसी मैटर पे, है ना। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर होगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारा फीचर तो नहीं है, ये यूएसए का फीचर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल मतलब आधा अधूरा फेडरल कह सकते हो, आधा यूनिटरी टाइप का है, आधा फेडरल टाइप का है। हु वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया, आंसर होगा आर के सनमुखम चेट्टी। और अगर पूछे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ड्यूरिंग इंटरिम गवर्नमेंट तो लियाकत अली होगा। अगला सवाल है, व्हाट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एज यूनिटरी एंड फेडरल, आंसर होगा रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। यही डिसाइड करता है कि कोई सरकार यूनिटरी गवर्नमेंट होगी या फिर फेडरल गवर्नमेंट होगी। अगर डिवीजन ऑफ पावर है तो फेडरल होगा, अगर डिवीजन ऑफ पावर नहीं है तो यूनिटरी होगा। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया, वी फॉलो रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। ए स्टेट कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट। वॉट इज पॉपुलर सोवरेनिटी, पॉपुलर सोवरेनिटी इज द सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेसेस विच एडवांटेज, आंसर इज ए स्ट्रॉन्ग स्टेट। वॉट इज मीन्ट वेन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया ए सेकुलर स्टेट, इसका मतलब ये है कि जो स्टेट होगा वो हर रिलीजन को, कोई भी रिलीजन हो, उसको प्राइवेट अफेयर मानेगा, वो मानेगा कि ये प्राइवेट अफेयर है सिटीजन्स का, एंड कोई भी किसी भी ग्राउंड पे उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। यानी कि द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज ए प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस बेसिस। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट हैज़ हाउ मेनी ऑर्गन्स, आंसर होगा तीन, तीन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। करेंटली हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर होगा 22, टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। और लास्ट में जोड़ी गई लैंग्वेजेस जैसे मैथिली है और भी सारी कुछ लैंग्वेजेस हैं। विच कंट्री हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका यूनाइटेड किंगडम है, और रिटन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल इंडिया भी है और यूएसए भी है। द कन्वेंशन दैट वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर इज फॉलोड इन यूके। विच कंट्री हैज़ द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, आंसर होगा सबसे शॉर्टेस्ट छोटा यूएसए का है। विच कंट्री इंजॉय फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आंसर यूएसए ही होगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 में ऐसा बोला गया है कि इंडिया दैट इज भारत, भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आंसर होगा यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम नहीं है हमारी कंट्री में, हालांकि यूनियन ऑफ स्टेट जरूर लिखते हैं हम लोग, लेकिन हम कहीं ना कहीं फेडरल टाइप के गवर्नमेंट हैं विथ यूनिटरी बायस कह सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये इट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ केस ब्रॉट बाई एनी वन टू कोर्ट इन्वॉल्विंग पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ और मुझे दिखा कि भैया एक पब्लिक इंटरेस्ट में कोई मैटर चल रहा है, जैसे कि कोई 100 लोग भूखे मर रहे हैं, तो उसको मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल के इस मैटर को कोर्ट के सामने ला सकता हूँ। ऑटोक्रेसी मीन्स एब्सोल्यूट रूल बाई वन, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि तानाशाह के द्वारा रूल किया जाना। व्हाट इज मीन्ट बाई डिफेक्शन, डिफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पार्टी आफ्टर विनिंग इलेक्शन। तो ये नेता करते थे, और एंटी डिफेक्शन लॉ भी लाया गया है इसके बाद, तो थोड़ा कम हुआ है। डैश इज ए सडन ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट इलीगली, आंसर इज कूप। तो कई बार मिलिट्री कूप आपने सुना होगा, जैसे कि रिसेंटली म्यांमार में हुआ था, जहाँ पे एक जनता के द्वारा चुनी सरकार को कूप में उखाड़ फेंका गया था। द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स टू कल्चरल यूनिटी। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स डिटेंशन विदाउट इंट्रोगेशन, इसमें क्या होता है 2-3 महीने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में बिना सुनवाई के बंद कर दिया जाता है। द टर्म कास्ट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम पुर्तगीज। वोट ऑन अकाउंट मीन्स, इसका मतलब होता है स्टैचुटरी एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स टिल द पासेज ऑफ प्लानिंग बिल। कूप क्या है, कूप इज ए सडन ओवरथ्रो ऑफ ए गवर्नमेंट इलीगली। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से क्या मतलब है, कि यहाँ पे एक किंग होगा जो एक्सरसाइज करेगा पावर ग्रांटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि यूके एक अच्छा एग्जाम्पल है, वहाँ पे मोनार्की सिस्टम चलता है, मोनार्क जो है
वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको पावर दिया गया है कि वो भैया उसकी उसी के नाम पे सारा पावर हो चलेगा, सारा कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। द राइट ऑफ ए पर्सन पार्टली और नेशन टू स्टॉप ए सर्टेन डिसीजन और लॉ इज कॉल्ड वीटो। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड टू द हाइट ऑफ नेशनल फ्लैग इज 3:2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल एंथम का रेशियो तो आपको पता होना ही होना चाहिए, लेंथ और हाइट का 3:2 होता है। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोका चक्र डिपिक्टेड ऑन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो ये टोटल 24 स्पोक है उसमें, जिसे मतलब ये काफ़ी हिस्टोरिकल है, सारनाथ के पिलर से हमने इसको उठाया, अशोका चक्र हमने अपना एम्बलम बना लिया। वॉट इज़ कलर ऑफ धर्म चक्र इन द मिडिल ऑफ आवर नेशनल फ्लैग? आंसर इज नेवी ब्लू। वॉट इज़ द अप्रॉक्सीमेट प्लेइंग टाइम ऑफ फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम? 52 सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट फाइंड ए प्लेस इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? आंसर हुआ कैमल। बुल भी है, हॉर्स भी है, लाइन भी है, कैमल नहीं। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया दादाभाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 कंटेंड ए प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स एंड डैश शेड्यूल। आंसर इज टोटल 8 शेड्यूल। विच कंट्री हैज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? आंसर इज इंडिया। इन विच कंट्री पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ फासिज्म स्टार्टेड? आंसर इज इटली। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेके आऊँगा। आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।